माँ ले ये पैसे रख ले। इतने सारे पैसे बेटा, ये आप कहाँ से लाए हैं? मम्मा वो मैंने लॉटरी का टिकट लिया था 5 रुपए में और मेरा इनाम लग गया। अपने बेटे की इस बात पर मम्मा चिड़िया को विश्वास तो नहीं आता, मगर फिर भी वो चुप रहती है और वो पैसे लेकर रख लेती है। बेटा कभी भी किसी लालच में आकर कोई गलत पंख ना उठा लेना। बेटा जो पंख उठ जाए वो कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमेशा बुराई से दूर रहना। मैंने सारी जिंदगी आपको हराम से दूर रखा, मेहनत से कमा कर खिलाया है, इसलिए आप ही कभी कोई गलत काम ना करना। मम्मा बस भी करे, मुझे सब पता है, मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूँगा, मुझे सब पता है। दूसरे रोज कुकू जग्गू के पास बैठा हुआ था। यार जग्गू, जब मैंने मम्मा को बताया कि मेरी लॉटरी का इनाम लगा है तो मम्मा ने मेरा विश्वास कर लिया। अच्छा, मगर मैं तो मम्मा को सच सच बता देता हूँ। जब मैंने मम्मा को बताया कि हमने कबूतर चाचा के घर से पैसे चुराए हैं तो मम्मा बहुत खुश हुई थी। यार तुम्हारी मम्मा चोरी करने से कुछ नहीं कहती, मेरी मम्मा को चोरी करना पसंद नहीं है, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। आज हम मिट्टू अंकल के घर जाएंगे। मेरी मम्मा ने मुझे बताया है कि मिट्टू अंकल की पत्नी के गहने घर में पड़े हैं और मिट्टू अंकल की पत्नी अपने मैके गई हुई है। फिर तो हमें मिट्टू अंकल पर नजर रखनी होगी। फिर वो मिट्टू अंकल के घर की तरफ चले जाते हैं। गर्मियों की दोपहर थी, इसलिए जंगल में ज्यादा पक्षी नजर नहीं आ रहे थे। सब गर्मी से बचने के लिए अपने अपने घरों में थे। कुकू और जग्गू छुप कर बैठे हुए थे जब मिट्टू नदी से पानी पीने के लिए अपने घर से निकलता है। जल्दी चलो कुकू, मिट्टू के आने से पहले पहले हमें अपना काम करना होगा। वो दोनों उड़ते हैं और जल्दी से मिट्टू के घर में जाकर संदूक से गहने चुरा लेते हैं। अब हम सीधे मेरे घर जाते हैं और वहाँ जाकर इन्हें बांट लेते हैं। वो ऐसा ही करते हैं। वो जग्गू के घर में जाते हैं। वाह रे कुकू, तुम्हारी मम्मा तो बहुत डरती थी, मगर तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम तो हमसे भी बड़े चोर बनोगे। आंटी मेरी मम्मा को नहीं बताना कि मैं चोरियां करता हूँ। मम्मा मम्मा पापा ये गहने देखकर खुश हो जाएंगे। आंटी मेरे हिस्से के गहने भी आप रख लें और मुझे बदले में पैसे दे दें। गहने देखकर मम्मा सौ सौ सवाल पूछेंगी। हाँ कुकू ये बात ठीक है, तुम्हारी माँ का क्या पता, जाकर मिट्ठू को ही बता दे गहने देखकर। तुम कल आकर मुझसे पैसे ले जाना। ठीक है, अब मैं जाता हूँ। कुकू बेटा, दोपहर को इतनी गर्मी में सब अपने अपने घरों में थे, मगर आप कहाँ थे? मम्मा बुलबुल आंटी का बेटा पेड़ से गिर गया था, मैं उसकी मदद कर रहा था। शाबाश मेरा बेटा, हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करना, इसी में भलाई है। कुकू बहुत खुश था कि आज फिर उसकी मम्मा ने उसके झूठ का विश्वास कर लिया है। कुकू रात को देर तक जागता है। वो सोच रहा था कि गोरी आंटी से पैसे लेकर वो कहाँ कहाँ घूमने जाएगा। और फिर दूसरे दिन कुकू अपने घर से निकलता है। जग्गू बेटा, चोरियां बहुत मेहनत से होती हैं, इतना आसान काम नहीं चोरियां करना। मैं तो कहता हूँ उस कुकू के बच्चे को भगा दो, जब वो गहनों के पैसे लेने आए तो। कालू सच पूछो तो यही मैं सोच रही थी, मेरा तो दिल नहीं कर रहा उसे पैसे देने को। तो फिर मम्मा हमें उसे ठिकाने लगाना होगा, ऐसा ना हो कि वो गुस्से में सबको बता दे। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे वीराने में ले जाता हूँ। वो बातें कर रहे थे कि कुकू भी वहाँ आ जाता है। आंटी मेरा हिस्सा मुझे दे दे, और जग्गू आज किसे लूटने की तैयारी है? मैं बताती हूँ कुकू। जग्गू जाओ ये लो अपने पिता का क्रेडिट कार्ड, और कुकू को मशीन से पैसे ले दो। फिर जग्गू अपने पिता का क्रेडिट कार्ड लेता है और कुकू को साथ लेकर वीराने की तरफ उड़ता है। कालू जल्दी जाओ पीछे और लगाओ ठिकाने उस कमजोर चिड़िया के बच्चे को, बड़ा आया हिस्सा लेने वाला। कालू भी रस्सी लेकर घर से निकलता है। यार जग्गू, इस वीराने में कौन सी मशीन है जहाँ से तुम पैसे लोगे? मैं बताता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू पीछे से आता है। फिर जग्गू और कालू मिलकर कुकू को एक पेड़ से बांध देते हैं। अब तुम यहाँ मरोगे। अंकल कालू ऐसा ना करें। जग्गू जग्गू तुम मेरे दोस्त हो, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जो मेरी मम्मा कहती है मैं ऐसा ही करता हूँ। मम्मा तुम्हें चोरी से हिस्सा नहीं देना चाहती। कुकू को धंधा हुआ छोड़कर कालू और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। जो मम्मा कहती है मैं वैसा ही करता हूँ। जग्गू की ये बात कुकू के कानों में गूंज रही थी।
चाकू अपनी मम्मा की बुरी बातें भी मानता है, जबकि मैंने अपनी मम्मा की अच्छी बातें भी नहीं मानी। कितना बुरा हूँ मैं दोषी हूँ। कुकू रस्सियों से बंधा हुआ रो रहा था। मिट्टू अपनी पत्नी के कहने घर में ना देखकर रोए जा रहा था। बहुत बुरा किया किसी चोर ने, मेरी पत्नी के गहने चुरा लिए, मैं रक्षा ना कर सका अपनी पत्नी के गहनों की। रोता हुआ मिट्टू अपनी पत्नी को बताने दूसरे जंगल जा रहा था, जब उसे कुकू एक सूखे हुए पेड़ से बंधा हुआ नजर आता है। जाकर कुकू को आजाद करता है। बेटा आपको यहाँ किसने बांधा? मुझे माफ कर दें अंकल मिट्टू, मुझे माफ कर दें। फिर कुकू मिट्टू को सारी बात बताता है। और फिर बाद में उन्होंने मुझे इसलिए यहाँ बांध दिया कि मुझे आपके चुराए हुए गहनों से हिस्सा ना देना पड़े। चुप कर जाओ बेटा, तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि तुम्हें सीख मिल चुकी है। अंकल मिट्टू आप पुलिस को फोन करें और मेरे साथ कौवों के घर चलें। सीधे से बता दो गहने कहाँ हैं, वरना मार मार कर सबका बैंड बजा दूंगा। कालू कुकू कैसे बच गया? पुलिस अंकल वो सामने संदूक में रखे थे इन्होंने मिट्टू अंकल के गहने। फिर पुलिस संदूक से गहने निकाल लेती है और कौवों के सारे परिवार को पकड़ कर ले जाती है। मिट्टू अंकल मुझे घर छोड़ आए, मैं माँ का सामना करने से डर रहा हूँ। फिर साथ जाकर मिट्टू कुकू की मम्मा को सारी बात बता देता है। चिड़िया बहन कुकू को माफ कर दे, अब ये सीधे रास्ते पर आ गया है। कुकू मेरे बेटे, फिर कभी अपनी मम्मा का विश्वास ना तोड़ना। रोते हुए कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आज गुड़िया के मम्मा और पापा बहुत खुश थे क्योंकि आज उनकी कद्दू की फसल तैयार हो गई थी और वो अपनी फसल बाजार में बेचने जाने वाले थे। मम्मा लग रहा है इस बार हमारी फसल अच्छी हुई है, इसलिए आप बहुत खुश हैं। हाँ मेरी बेटी, इस बार हमें अपनी फसल बेचकर अच्छा मुनाफा होगा। गुड़िया बेटी क्या आप भी हमारे साथ जाओगी फसल काटने? क्यों नहीं, मैं अपने मम्मा पापा के काम में मदद करूँगी। फिर वो सब अपनी बैलगाड़ी लेकर खेतों की तरफ चले जाते हैं। सारे खेत में कद्दू ही कद्दू थे। गुड़िया बेटी मैं और आपके पापा कद्दू बेल से तोड़ते हैं और आप उन्हें एक जगह इकट्ठे करो। फिर वो सब अपना काम शुरू करते हैं और शाम से पहले पहले वो सारे तैयार कद्दू तोड़कर अपनी बैलगाड़ी पर लाद लेते हैं। फिर गुड़िया बैलगाड़ी चलाती है और उसके मम्मा पापा पीछे बैठ जाते हैं। वो मंडी में पहुंच जाते हैं और गुड़िया का पापा दुकानदार से कहता है, एक नंबर बड़े बड़े कद्दू हैं, ऐसे कद्दू खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, कितने में लोगे आप ये सारे कद्दू? मैं बहुत दुख से बता रहा हूँ कि इस बार तो कोई भी कद्दू नहीं खरीद रहा, बहुत थोड़े दाम है कद्दू के। ये सुनकर गुड़िया और उसके मम्मा पापा की खुशियाँ थोड़ी कम बढ़ जाती है। आप ये सारे कद्दू कितने में लोगे? 500 में, इससे बढ़कर मैं दाम नहीं भर सकता, आप किसी और से भी पूछ सकते हैं। गुड़िया की मम्मा, इन पैसों से तो खर्च भी नहीं पूरा होगा, मैंने तो 300 रुपए कालू कौवे से भी उधार ले रखे हैं, बीज के पैसे भी अभी देने बाकी हैं। अगर हम कद्दू घर ले गए तो खराब हो जाएंगे और हम कर भी कह सकते हैं, अगर कल तक इंतजार किया तो 500 भी नहीं मिलेंगे। फिर गुड़िया का पापा 500 में पूरी बैलगाड़ी के कद्दू बेच देता है। वो सब आए तो बहुत खुश थे, मगर वापस उदास जा रहे थे, वो सब बहुत परेशान थे। घर पहुंचकर गुड़िया के मम्मा और पापा खाना खाकर सो जाते हैं और गुड़िया जाग रही थी। मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मैं अपनी कद्दू की फसल को अच्छे दामों बेच सकूं। फिर गुड़िया को एक उपाय आता है और वो खुश हो जाती है। दूसरे रोज सुबह सुबह ही कालू कौवा भी आ जाता है। चिड़िया कहाँ है आपके पति? वो तो खेतों में चले गए हैं। आपने अपनी कद्दू की फसल बेच ली है, अब मेरे पैसे मुझे वापस करो, मुझे जरूरत है पैसों की। कालू भैया इस बार कद्दू के दाम बहुत कम है, किसी तरह आप दो चार दिन और निकाल लें।
मैं एक मिनट भी और नहीं दूंगा। मुझे अपने पैसे अभी के अभी चाहिए। मम्मा, आप इन 500 में से कालू अंकल के पैसे लुटा दें। हमें क्या करना है, मैंने सोच लिया है। फिर मम्मा चिड़िया कालू कौवे को उसके पैसे दे देती है और कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अभी बीज के पैसे बाकी है, कैसे चलेगा सब, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मम्मा, 200 रुपए की तो मुझे जरूरत है। बेटी, आप क्या करोगी इतने पैसे? अपनी बेटी पर विश्वास रखें और मुझे अपना काम करने दें। फिर गुड़िया अपनी मम्मा से 200 रुपए लेकर चली जाती है। गुड़िया सीधी लकड़हारे पक्षी के पास जाती है। अंकल, मुझे दिल की शक्ल का एक फ्रेम बना कर दें। बेटी, उसे आप क्या करोगी? अंकल, मुझे जरूरत है, मैंने अपने कद्दू महंगे दामों बेचने हैं। ये सुनकर लकड़हारा हंसता है और उसे एक दिल की शक्ल का फ्रेम बना देता है। अंकल, कितने पैसे? 1 रुपए बना है बेटी। तो इसका मतलब मैं इस तरह के 200 फ्रेम बनवा सकती हूँ। अंकल, ये ले 200 रुपए और मुझे इन सारे पैसों के इसी तरह के दिल की शक्ल वाले फ्रेम बना दे। लकड़हारे को भी आसान काम मिल गया था। वो बहुत खुश होता है और अपना काम शुरू करता है। गुड़िया के पापा भी खेतों से घर वापस आ जाते हैं। गुड़िया कहाँ है? सुबह से मुझसे 200 रुपए लेकर कहीं गई हुई है। क्या 200 रुपए? मैं बीज के पैसे कहाँ से दूंगा? मैंने गुड़िया को सब बताया था, वो घर आएगी तो पूछ लेना। मम्मा और पापा अभी ये बात कर ही रहे थे कि गुड़िया भी घर आ जाती है। गुड़िया बेटी, आप मम्मा से 200 रुपए क्यों ले गई थी, जबकि आपको पता भी है कि फसल अच्छे दामों नहीं बिकी और मुझे बीज के पैसे भी अभी देने हैं। पापा, मेरा विश्वास रखें, आपकी बेटी कुछ ऐसा करेगी जो किसी ने ना किया होगा। हमें कुछ बताओ तो मैं आपको सब बताऊंगी, मगर कल कद्दू की फसल में जाकर। दूसरे दिन जब गुड़िया के मम्मा पापा खेतों में जाने के लिए आते हैं, तो बैलगाड़ी पर इतने सारे दिल के आकार वाले फ्रेम देखकर हैरान हो जाते हैं। मगर गुड़िया कुछ बताए बिना मम्मा और पापा को बैलगाड़ी पर बिठाकर कद्दू के खेत की तरफ चल देती है। अब हमारे कद्दू साधारण कद्दू नहीं होंगे, बल्कि दिल के आकार वाले कद्दू होंगे। मम्मा और पापा, आप मेरी मदद करें और सारे छोटे कद्दू इन दिल के आकार वाले फ्रेम के अंदर रखते जाएं। गुड़िया बेटी, क्या ये सब ठीक ठीक हो पाएगा? मम्मा, अगर सोचो तो कुछ भी हो सकता है, आप मेरी काम में मदद करें और मुझे हौसला दें। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। वो सारे दिल के आकार वाले फ्रेम जमीन पर रखते हैं और हर फ्रेम में एक छोटा कद्दू रखते जाते हैं। मम्मा पापा, अब देखना, हमारे ये कद्दू बेचने हमें मंडी भी नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और गुड़िया के कद्दू बड़े हो जाते हैं और वो सारे के सारे कद्दू दिल के आकार जैसे बन गए थे। वही हुआ था जैसा गुड़िया ने सोच रखा था। गुड़िया के मम्मा और पापा तो अभी तक हैरान ही थे। एक बड़ी गाड़ी उनके खेत के पास आकर रुकती है। वाह वाह, ऐसे कद्दू तो मैंने पहली बार देखे हैं। इनकी शहर में बहुत डिमांड होगी। वो पक्षी गुड़िया से बात करता है। ये कद्दू आप मुझे बेच सकती हो? हाँ अंकल, क्यों नहीं, मगर ये कद्दू महंगे हैं। पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे वो पक्षी गुड़िया से वो कद्दू महंगे दामों खरीद लेता है। ये रहा 1 लाख एडवांस, अगली बार के कद्दू भी मेरे हुए। प्यारे दोस्तों, गुड़िया की इस समझदारी पर 1 लाइक तो बनता ही है, इसलिए आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। और वो पक्षी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा और पापा चिड़िया की आंखों में आंसू थे, वो अपनी बेटी पर गर्व महसूस कर रहे थे। देखा मम्मा पापा, मैं ना कहती थी कि अगर सोचो तो कुछ भी हो सकता है।
फिर वो सब खुशी खुशी